नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोरोल में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आज जो मैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूं रेनो ट्राइवर का। ये अपने सामने देख रहे हो, ये रेनो ट्राइवर है इंडिया के अंदर अगर मोस्ट कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल एमपीवी की बात करें तो फिलहाल जो है वो रेनो ट्राइवर ही है। अर्टिगा से भी चीपर है और एक मिडिल क्लास मैन के लिए जो है ये सबसे परफेक्ट एमपीवी है 7 सीटर के अंदर। अगर इसके वेरिएंट्स की बात कर ले तो इसमें जो है आपको RXE, RXL, RXT और RXZ वेरिएंट मिल जाते हैं। एक लिमिटेड एडिशन वाला भी वेरिएंट होने वाला जो कि आप अपने सामने देख रहे हो। ये RXT लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है जो कि डुअल टोन कलर के अंदर आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी की से। तो इसमें आपको फ्रंट में रेनो का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको 2 बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप लॉक अनलॉक के बटन को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में और चेकआउट कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है हाई बीम लो बीम के अंदर जो कि हेलोजन के अंदर है। यहाँ पे आप इसके इंडिकेटर्स को देख सकते हो जो कि हेलोजन के अंदर ही आता है। और अगर ठीक नीचे आ जाए तो इसके अंदर जो है आपको DRLs वगैरह जो है वो मिसिंग है। इसके अंदर आपको कुछ एक्सेसरीज़ भी जो है वो लगाई गई है। उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होने वाली, कौन कौन सा एक्सेसरी का पार्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ही। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है। नीचे में भी जो लगा हुआ ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पे आपको हनीकॉम मेश पैटर्न वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है रेडिएटर ग्रिल के अंदर। फ्रंट के अंदर आपको रेनो का बड़ा सा लोगो वो देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लैड क्रोम ग्रिल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बोनेट पर जो है आपको 2 क्रिच लाइन वो ऑफर कर दिए गए हैं। वाइपर और वॉशर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च पे क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और व्हील की अगर बात करें तो ये आपको एज अलॉय व्हील लग रहा होगा बट ये अलॉय व्हील नहीं है। ये जो है ये इसके ऊपर प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है। रिम जो है वो इसके नीचे है जो कि स्टील रिम है। यहाँ पे आपको रेनो की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट के अंदर जो है इसमें आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक वो दे दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल 165/80R 14 इंच का स्टील रिम मिल जाता है। फ्रंट के अंदर इसमें आपको MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन जो है वो भी दे दिया गया। यहाँ पे आप इसके ORVM को देख सकते हो जो कि ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ आता है। LED इंसर्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डोर पे आपको क्लैडिंग वगैरह भी दे दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली ये आप क्लैडिंग नहीं बोल सकते हो, ये जो है ग्राफिक का वर्क है। इसके अंदर जो है आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है। ये डोर प्रोटेक्शन वगैरह जो है यहाँ पे आप देख रहे हो रेनॉल्ट का, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। डुअल टोन वाला वेरिएंट है तो इसकी रूफ जो है वो आपको कंप्लीट ब्लैक आउट देखने को मिलने वाली है। रूफ रेल्स वगैरह जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंटीना जो है वो फ्रंट माउंटेड है। रूफ का डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ से देख लो, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड रो डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसके सेकेंड रो को डोर की भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। व्हील आर्च पे क्लैडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। रेयर प्रोफाइल टायर को भी आप चेकआउट कर सकते हो। रेयर के अंदर जो है इसमें आपको ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाता है। फ्यूल कैप जो है आपको इस साइड दे दिया गया। 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसमें आपको मिलता है। टेल लैम्प की अगर बात करें तो ये पूरा कंप्लीट हेलोजन सेटअप है। यहाँ पे आपको हेलोजन के अंदर जो है इंडिकेटर वो मिल जाता है। हेलोजन के अंदर रिवर्स लाइट जो है वो मिल जाएगा। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। यहाँ पे ये सारा क्रोम वाला पार्ट जो है, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स वगैरह भी जो है लगाए गए हैं इसके अंदर। इसमें आपको पीछे की तरफ जो है 3 पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर की एम्बोजिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है क्रोम के अंदर। ऊपर की तरफ जो है इसमें आपको रेनो का लोगो वो भी देखने को मिल जाता है। विंडशील्ड की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे आपको 2 ईस्टर एग्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी ट्रेंड में है। आपने टाटा की कार्स में या जीप कंपस में या थार में ये सब कार में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको ड्राइवर वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको टेंट भी दिया गया है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप वो मिल जाता है स्पॉइलर के अंदर। यहाँ से जो है आप को ड्राइवर साइड एरिया का पूरा कंप्लीट व्यू जो है वो देख सकते हैं। डोर की अगर बात करें तो डोर का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का मिल जाता है आपको। अंदर की तरफ डुअल टोन डिज़ाइन मिलता है इसके अंदर। स्पीकर की प्लेसिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लॉक लीवर वगैरह जो है यहाँ पे दे दिए गए हैं। और ये जो है इंटरनली आपको यहाँ से जो है इसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो।
वाटर होल्डर का स्पेस जो है वो मिल जाएगा। सीट फैब्रिक वगैरह जो है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर जो है आपको फैब्रिक मटेरियल ही मिल जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके ड्राइवर साइड एरिया में और चेकआउट करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ। यहाँ पे जो आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। ग्लास को लॉक करने के लिए एक बटन दिया गया है, इसके थ्रू जो है अपने आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। लॉक लीवर वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर की क्लजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। बॉटल होल्डर का स्पेस यहाँ पे दे दिया गया। तीन पैडल जो है वो मिल जाते हैं, मैनुअल वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें आपको EZR AMT का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके थ्रू जो है आप अपने आप हेडलैम्प की सेटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। फ्यूल लिड यहाँ से आपको ओपन करने के लिए लीवर दे दिया गया। बोनेट भी जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट वगैरह जो है मैनुअली आपको करना पड़ता है, वो आप अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये जो है नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड वगैरह जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एक जो है कॉल रिसीव करने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो चलिए एक बार हम लोग इसके इग्निशन को टर्न ऑन कर लेते हैं और इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। अब जैसे इसके इग्निशन को टर्न ऑन करते हो यहाँ पे आपको RPM मीटर जो है वो देखने को मिल जाता है, MID जो है वो देखने को मिल जाएगी सेंटर के अंदर। स्पीड वगैरह जो है आपको इसी के अंदर जो है देखने को मिल जाता है, कौन सा डोर ओपन है क्लोज है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फ्यूल लेवल इंडिकेशन, इंजन हीट टेम्परेचर वगैरह जो है और वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की एम्बोजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ अगर आ जाए तो यहाँ पे आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। दो AC वेंट्स जो है वो भी दे दिए गए हैं आपको सेंटर में। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड भी एक AC वेंट जो है वो मिल जाएगा। इस साइड भी जो है आपको एक AC वेंट वो भी मिल जाता है। IRVM की अगर बात करें तो वो जो है मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं आता है इसके अंदर। यहाँ से जो है आप अपने रीडिंग लैंप वगैरह को जो है आप ऑन कर सकते। सनसेट की अगर बात करें तो को ड्राइवर साइड जो है आपको मिरर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड जो है आपको वैनिटी मिरर वगैरह या कुछ भी नहीं मिलता इससे, टिकट होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। AC के कंट्रोल जो है वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल AC है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको एक ऑक्स वाला जो है वो मिल जाता है पोर्ट। USB के लिए भी जो है एक पोर्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे आप इसके 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपको AMT का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको एक रोटरी नोब जो है वो दे दिया गया है फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए। रेयर के अंदर भी जो है इसमें आपको AC वेंट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे एक नॉब दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने स्पीड वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है यहाँ पे। आर्मरेस्ट वगैरह जो है इसके अंदर नहीं आता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें भी जो है आपको डुअल कंपार्टमेंट में ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी ग्लव बॉक्स जो है वो मिल जाता है, और अगर नीचे आ जाए तो नीचे भी जो है इसमें आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम उसको कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके सेकेंड रो में और चेकआउट करते हैं कि सेकेंड रो की सीटिंग कंफर्ट वगैरह किस तरीके की है। तो यहाँ पे जो आप इसके सेकेंड रो के डोर को देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक लीवर जो है वो देखने को मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसिंग जो है वो नीचे की तरफ दे दी गई है। पावर विंडो का कंट्रोल वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया। बॉटल होल्डर का स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकेंड रो के सीट को जो है आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से, और ये सीट जो है वो फोल्ड हो जाता है उस साइड वाला, और इसे जो है आप टम्बल डाउन करके जो है थर्ड रो के लिए एक्सेस कर सकते हो उस साइड से। उस साइड के डोर पे जो है आपको पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह वो देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स जो है वो आपको पिलर्स पे दे दिए गए हैं सेकेंड रो के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड रो की अगर बात करें तो थर्ड रो में भी जो है आपको AC वेंट मिल जाता है, वो रूफ पे दे दिया गया है। थर्ड रो को भी जो है आप फोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, ये भी जो है आप फोल्ड करके इसके बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। इसमें हेडरेस्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, फ्रंट टू हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, उन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड रो वाला जो हेडरेस्ट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड रो वाला भी जो हेडरेस्ट है उसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। और यहाँ पे आपको केबिन लैंप वगैरह जो है वो भी दे दिया गया है। तो चलिए एक बार हम लोग उसके बूट को चेकआउट कर लेते हैं। तो बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ से जो है आपका बूट ओपन हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
अगर आप इन दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो उसके बाद जो है आपको बूट स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस जो है हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है। इस साइड पीछे की तरफ जो है इसमें आपको हैंडल्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। ग्लास भी यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में और चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सा इंजन दिया गया, कितनी पावर जो है वो जनरेट करता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में। यहाँ पे आप इसके इंजन को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जो है आपको 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिल जाता है जो कि नेचुरली स्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको टर्बो वगैरह का ऑप्शन जो है नहीं मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो अपने डिस्प्ले पे आप चेकआउट कर सकते हो। बोनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको इंसुलेशन वगैरह का वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। एक साइड की बैटरी जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं अगर हम उसको सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर जो है इसमें आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं। एशियन एनकैप में जो है इसने 4 स्टार भी स्कोर किया है। उसके अलावा जो है इसमें आपको ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी ऑफर कर दिए गए। इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होने वाली है वो अपने डिस्प्ले पर जो है आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कुछ एक्सेसरीज वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, ये एक्सेसराइज वर्जन है, तो उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है वो मिल जाती है। इसके अंदर जो है आपको मैट दिया गया है, मड फ्लैप, बम्पर प्रोटेक्टर, डोर गार्ड और फ्रंट ग्रिल क्रोम वो देखने को मिल जाता है, क्रोम टेल लैम्प क्रोम, टेल गेट क्रोम, विंडो गार्निश वगैरह। और इसकी टोटल कॉस्टिंग जो है वो 15,144 रुपीज़ की है। और कौन कौन सी एक्सेसरीज थी वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि रेनो ड्राइवर का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।